हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूं पुलाव। थोड़ा सा मैंने राई जीरा ले लिया है, मसाला भिंगो कर रख दिया है। कुकर में ऑयल डाल रही हूं गर्म होने पर। इसमें मैं थोड़ा सा जो खड़ा गर्म मसाला होता है उसको मैं ऐड कर दूँगी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं निकाला है खड़े गर्म मसाले में। आप लोग देख सकते हो, दालचीनी, जीरे और कुछ लौंग है। तो यही सब कुछ से मैं फ्राई करूँगी। और मैंने प्याज डाल दिए जो कि मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में काटा था। और उसके बाद मैं जो मसाला भिंगो कर रखी हुई हूँ वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सोयाबीन मैंने भिंगो दिया है, चावल भी मैंने धो कर के भिंगो कर रख दिया था। और उसके बाद मैंने मटर के दाने जो मैंने रात में भिंगो कर रखे हुए थे तो वो अच्छे से फूल गए हैं। और ये मसाला ऐड कर देती हूँ जो कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर है। और पुलाव में हमेशा मिर्च मैं कम ही ऐड करती हूँ। और इसको मैं भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें मैं जो मटर भिंगो कर रखे हुए हैं तो वो मटर ऐड कर दे रही हूँ। और उसके बाद सोयाबीन बड़ी भी डाल दी है मैंने। तो ये थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें चावल जो भिंगो कर रखे हुए थे वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से चला लेंगे और जितना हमको पानी चाहिए इसमें तो उतना हम पानी ऐड कर देंगे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए बनने के बाद, क्योंकि अभी बना नहीं है। इसमें ढक्कन लगाने की यानी समय आ चुका है, तो ढक्कन मैंने लगा दिया है, अब सीटी होगी। तो ये लो, हमारा छाछ और पुलाव तैयार है खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलो हम चलते हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए। सब्जी घर में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्याज के अलावा घर में कुछ भी नहीं है। एक आलू है, नहीं हाँ एक आलू पड़ा हुआ है और एक छोटा सा आलू, तो एक ही समझ लो। तो दो आलू के अलावा और प्याज के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमको सब्जी लेने जाना है क्योंकि अब हद हो गई है, बिना सब्जी के बहुत हो गया है। तो हमने बोला चलो श्रेया आज सब्जी लेकर आते हैं। और श्रेया है यहाँ पर जो कि अभी पढ़ाई कर रही है। अभी श्रेया मेरे साथ जाएगी है ना मार्केट। तो श्रेया और हम दोनों मार्केट जाएंगे। और चलो क्या हो गया आज, कुछ ऐसी चीज़ यानी पैरों में पहन जाना, बाद में ये मत बोलना ये काट रही है या कुछ भी है, कई चप्पल काटने लगती है। मैंने तो पीछे से भी काट लिया है और ये वाला यहाँ से भी काट लिया, बाजू में स्लीपर पहनते ना जब, हाँ जब उतार देता है स्लीपर। तो जूती पहन लो, सिंपल चप्पल पहन लो, सिंपल चप्पल भी है, सिंपल चप्पल भी है, काटती ना दस उंगली से। मैं मुझे तो जो मिलता मैं वो पहन लेती हूँ, मेरे उसमें नहीं है कुछ भी। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर लॉक लगा के बस हम लोग निकल चुके हैं। और यानी आप लोगों को अंधेरा लग रहा होगा, करीब 7 बज रहा है शाम का। तो हम लोग 1 घंटे में लौट कर आ जाएंगे। गाय खड़ी हुई है सामने और इतने टाइम ना गांव में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 12 बज गए हों रात के। तो हम मार्केट आ चुके हैं और क्योंकि वहाँ पर ना जैसे हम लोग निकलते हैं तो वहाँ पर इतना रोशनी नहीं होती है तो शूट नहीं करते हैं। तो ये देखो, कुछ भी कहो जब मार्केट होता है ना तो यानी जो इंसान होते हैं उनके अलावा हमें गाय भी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि मार्केट के दिन गाय भी आती हैं विचरण करने के लिए। क्योंकि वो ना पीछे से सब्जियां खाती हैं, जो भी सब्जी वाले ऐसे बैठे रहते हैं पीछे से आकर सब्जी वो खा लेती है। तो उनका बड़ा फ़ायदा होता है। जो ज़्यादा ठग लेते होंगे ना तो उनके साथ ही ऐसा होता होगा। तो गाय लोग बदला ले लेती होंगी। तो चलो ये तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। अब वो गाय को भूख लगती है तो वो कहीं ना कहीं से तो खाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। यहाँ पर लहसुन मैं ले रही थी, लहसुन नहीं था तो मैंने बोला चलो पहले लहसुन ले लेते हैं, अच्छा मिल रहा था लहसुन। तो लहसुन मैंने ले लिया है, करीब 1/2 किलो लहसुन लिया है मैंने। और अब चलते हैं थोड़ी थोड़ी आगे, देखते हैं कि कुछ और सब्जी मिल जाए। यहाँ पर सब्जी कुछ खास नहीं मिलती है। मुझसे कमेंट में कहा गया था कि आप बैंगन की सब्जी ज़्यादा खाते हो, तो यहाँ पर बैंगन, तोरई, कद्दू और भिंडी हो गया,
और मुझे कुछ सब्जी समझ में नहीं आती ना, इसलिए मैं लेके नहीं आती हूँ। श्रेया को जो नहीं आती ना पसंद, वो तो मैं लेके नहीं आती हूँ। तो यहाँ पर मुझे लेना था आलू, टमाटर और अदरक, मिर्च। तो मुझे करीब 2 किलो आलू मैंने ले लिए, जितना वजन मैं ढो सकती हूँ ले जाने के लिए। तो उसमें मैंने फिर यानी आलू ले लिए हैं, और यहीं पर मुझे अदरक मिर्च भी मिल गया था, और टमाटर तो मैंने तीनों चीज़ें और ले ली थी एक ही दुकान से। तो यहाँ पर अदरक ले लेती हूँ, मिर्च और टमाटर। और मुझे सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या सब्जी लें, तो मैंने सिर्फ बैंगन लिए थे क्योंकि तोरई हो गई, और अरबी भी दिखी थी, कद्दू, भिंडी। तो ये भिंडी वगैरह ना श्रेया खाकर बोर हो गई और बोलती मम्मी अब मत लो सब्जी, मुझे नहीं खाना इससे अच्छा। अभी क्योंकि श्रेया का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो टिफ़िन भी नहीं ले जाती है, तो घर में ही ऐसे उसको यानी चावल ज़्यादा पसंद है, तो सब्जी चावल हो गया, दाल चावल हो गया, कुछ भी रसेदार बना लो तो वो खा लेती है। और हमारी आगे हैं गौ माता, कितनी सारी गौ माता बैठी हुई हैं। आप लोगों से एक विनती है, एक हेल्प चाहिए कि गौ माता को ना अगर आप लोग रोटी दो, उसमें गुड़, हल्दी और काली मिर्च और लौंग और काली मिर्च की मात्रा हल्का सा थोड़ा सा कर देना, यानी ज़्यादा नहीं, तो इनका जो वो रोग फैला हुआ है ना वो कम हो जाएगा, और हमारे यहाँ गौ माता बनी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग लौट के आ गए हैं, मार्केट करके सब्जी ले आए हैं, अब बस घर जाएंगे। बिल्कुल सब्जी नहीं थी तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। मन बनाना होता है जाने के लिए, मन बिल्कुल नहीं होता कि घर से निकलें। तो आ गए हैं हम, अब ये देखो भरा हुआ है सब्जी से, और लौटा एक आलू बस था घर में, हमारी सब्जी नहीं थी तो हमने बोला चलो आ गई, अब खाली करते हैं बैग। तो हमारे यहाँ सप्ताह में 2 बार मार्केट लगता है, और मन नहीं करता मेरा जाने का घर से, थोड़ा सा अजीब लगता है कि कौन जा रहा है, पर मुझे ना चाह के भी जाना होता है। आप देख सकते हो टोकरी में एक भी सब्जी नहीं थी, और मैंने एक वीक ऐसे ही निकाल दिया था कि नहीं सब्जी नहीं लाना, क्योंकि अभी श्रेया के एग्ज़ाम चल रहे हैं, टिफ़िन नहीं लगाना होता है, तो मैंने बस ऐसे ही चला लिया था, जैसे दाल बन गई, बेसन बन गया, कुछ आलू भी थे, तो ऐसे ही मैं करके चला रही थी। तो अब फिर मैं सब्जी आज ले आई हूँ, तो मन नहीं करता है मेरा जाने का, पर जाना होता है। और यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ जमा ले रही हूँ। जब से मुझे लोग जानने लगे हैं ना, तब से एक कमेंट्स ऐसा रहता है, बहुत लोगों का, एक ही व्यक्ति नहीं करते हैं, यानी कि बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो मेरी ही तरह हैं, तो जो ससुराल में रह रही हैं, जो मायके में रह रही हैं, और क्योंकि मायके में इसलिए रह रही हैं, ससुराल से उन्हें अलग कर दिया गया है ना, और जो ससुराल में ही रह रही हैं तो बेचारी वो रह रही हैं एक मजबूरन, बस ना उन्हें अर्निंग का साधन है, ना कमाई का, ना ही पैसे का, बच्चे हैं साथ में, तो जो मिल रहा है वो खा रही है और काम कर रही है, क्योंकि बिना पति के जीवन ऐसे ही होता है। अगर ससुराल में रह रहे हैं ना तो बस जो मिल जाए खाओ, सेवा करो, बनाओ, घर का पूरा काम करो, और बच्चे यानी जैसा रख रहे हैं वैसा रहो, तो एक नौकरानी जैसी हालत हो जाती है अगर ससुराल में रह रही हो। बहुत कम ऐसे ससुराल वाले होते हैं जो कि अपनी बेटे के जाने के बाद बहू को अपने बेटे की अमानत समझ करके बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत कम होता है। और अगर हैं ऐसे ससुराल वाले तो उनको मेरा यहाँ से प्रणाम है कि धन्य है आप जैसे सास ससुर और ऐसे ननंद। तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हमारी स्टोरी तो आप लोगों को पता ही है ना। तो हम तो कोई यानी अपने ही उसमें हैं, कान्हा जी के भरोसे हमारा जीवन चल रहा है। तो वो बहनें मुझसे कहती हैं कि सुहाना, आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है और हिम्मत मिलती है आपके ब्लॉग देख करके, कि कैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी सबसे यही कहूँगी, जो भी मेरे जैसी हैं, सिंगल मदर हैं, तो बस अपने यानी एक जिम्मेदार बनिए, और कभी किसी के सहारे जीने की कोशिश ना करें, खुद का सहारा खुद बनिए, और कुछ काम करने का यानी अर्निंग करने का सोचिए, कि बिना पैसे को आप लोगों को पता है कि जीवन यापन करना बिल्कुल मुश्किल है। जब तक पैसे नहीं हैं तो यानी जीवन नहीं चल सकता है, पैसे ज़रूरी है, और
मैंने तो देख ही लिया है सारा कुछ और देखते जा रही हूँ। यहाँ पर मैं अजवाइन और सौंफ लेकर आई थी, मेरे पास यानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला चलो ले आते हैं। तो अजवाइन सौंफ मैंने डब्बे में रख दिया है। कुछ नाश्ता लेकर आई थी क्योंकि मैं मार्केट जब जाती हूँ ना, तो श्रेया क्या है ज़्यादा खाती नहीं है, पर उससे पूछ लेती हूँ कि अगर तुझे खाना है तो ही मैं ले रही हूँ, तो वो कह देती कि हाँ मम्मी खा लेंगे। तो थोड़ा बहुत ले आए हैं हम, जब भी मार्केट जाती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं ले आती हूँ, तो थोड़ा सा क्या अच्छा लगता है खाने में भी, और थोड़ा सा यही है मुँह का टेस्ट चेंज हो जाता है कभी कभी, अच्छा ये खा लेना चाहिए। तो ये मैं लेके आई थी, समोसे और मंगोड़ी और चटनी है। तो श्रेया और हम खाएंगे, समोसे बड़े थे तो हम लोगों ने, तो अब आगे आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा कि कैसे खाएं हम लोगों ने। इसने मुझसे कहा कि मम्मी कपड़े चेंज करो उसके बाद खाना, इसने कपड़े चेंज करवा ली, तो मैं कपड़े चेंज करके हम लोग ये खा रहे हैं दोनों जन। आज दोनों कुकर, आप लोगों को बताया था कि दोनों कुकर गए हैं सुधरवाऊंगी मैं, दोनों कुकर ये खुद अपने हाथ से देके आई है, कल शाम तक आएंगे, इसलिए बोले दाल चावल का। मुंह क्यों छुपा रही, सही तो कह रही हूँ, दोनों कुकर है नहीं अभी, पकौड़ी उड़ा रही थी, मुंह नहीं छुपा रही थी ऐसे। अच्छा समोसे खाने का सही तरीका बताऊं? ये लिया ऐसे कैसा लग रहा है समोसा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म। मिर्च भी खा लो उसके साथ, वो नहीं खाना। चटनी के साथ कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। आश्रया खुश है ना? आश्रया खुश है, खुश क्यों है? आज दादी ने बात की, दादी ने बात की और भैया ने भी और दादाजी ने भी अच्छे से बात की, सबने सबने अच्छे से बात की, इसलिए खुश है। श्रेया सच में आज खुश है, बार बार कह रही थी रास्ते भर, पहले तो वो रोने लगी, यानी वहाँ से लौट के आई जब बोलती है मम्मी रोना आ रहा है, तो मुझे डर था क्योंकि वहाँ से लौट के आती है तो ये रोती है, तो मैंने बोला श्रेया तेरा एग्ज़ाम है तुझे रोना नहीं है, तो बोलती नहीं मम्मी खुशी के आंसू, मेरे खुशी की, बोलती आज सबने बहुत अच्छे से बात की है, ये बस बताने गई थी वहाँ पर कि मैं भी गई थी पूजा करवाने के लिए, तो दादी ने बोला कि आज तुमने पापा जी की भूमिका निभाई, यानी पापा जी तुम्हारे जाते थे पूजा करवाने के लिए, तो उनकी पापा जी की कमी नहीं खलनी थी, हाँ कमी नहीं खलनी थी, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, तो श्रेया आज खुश है, उन लोगों ने अच्छे से बात की। मैंने तो बोला था बाकी कमी नहीं खलने दी, हम पापा जी को लिए। हाँ तो हम लोगों ने बस एक एक समोसे ही खाए थे, हम लोगों ने एक एक समोसे ही खाए हैं, पेट भर गया था, एप्पल खा रही हूँ मैं। छोटा एप्पल लेके आए मैं यहाँ आकर लेटी हुई हूँ, श्रेया ना वहाँ पर पढ़ाई कर रही है, तो मैं थोड़े से कुछ यूट्यूबर्स के ब्लॉग देख रही थी तो उसे डिस्टर्ब हो रहा था, तो बोलती मम्मी यहाँ, तो मैंने बोली तुम हॉल में चल जाओ, तो कहती है नहीं मुझे गर्मी लगती है, तुमने चलो कोई नहीं, तो मैं यहाँ पर मोबाइल भी लेकर आई हूँ मोबाइल भी लेकर आई हूँ जिसमें कि वो चलाए ना, वैसे वो नहीं चलाती क्योंकि अभी आवाज़ आ रही, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बैक कैमरे से, और ये पावर बैंक भी लेकर आई हूँ जिसमें ये लगा हुआ है, तो चलो मैं दिखाती हूँ, चोरी से चलते हैं, देखते हैं उसे वो कैसे पढ़े। कुछ देर तक मैं यानी नीचे से शूट करूंगी पर्दे के यहाँ से और जूम करके दिखाऊंगी, ठीक है? तू आ गई, मैं तुझे शूट करने आ रही थी, हो गए पूरे पूरे, इतनी जल्दी कैसे पढ़ के आ गई, मैं तो शूट करने आ रही थी, तूने प्लान को फ्लॉप कर दिया, मैं तुझे मैं बताने आ रही थी श्रेया कैसे पढ़ रही है और तूने प्लान फ्लॉप कर दिया। हट, तो कान्हा जी का पट बंद हो गया, देख सकते हो कान्हा जी सो गए हैं, उनका पर्दा लगा दिया है। ग्लास क्यों बजा रही है? मुझे पानी ले आना थोड़ा सा। हाँ अच्छा खुश है, पानी ले आना मुझे, ये क्या है? कैमरा तो बनता है हिलाते, कुछ भी एक्स्ट्रा हो एक्सरसाइज देख लो, ठीक है? जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है।
वहां से मुझे भगा दिया, अब इधर आ गई। बोला तू ताले ताले खिड़की मत तोड़ बेटा, यहाँ मैं तुझे बता रही तुझे क्या करना है, इधर आ। तुझे नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं बुक अगर खोल ली ना तेरी, और मैं बुक ओपन करके अगर मैंने तेरे को बता दी ना कि क्या है और बचा हुआ है, हाँ कुछ भी छोटी छोटी एक्सरसाइज याद करो, उसमें आएगा पूरा भी जितना भी है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, चूज द करेक्ट आंसर हो गया, मैच द कॉलम हो गया, ये सारा कुछ याद करो, देखो उसको सीखो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का एंडिंग हम यहीं पर करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।